तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीनत अमन के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में। जीनत अमन का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। नंबर वन, साल 1970 में जीनत अमन की पहली फिल्म आई द एविल विद इन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, प्रेमनाथ और यम्बी सेट्टी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर टू, साल 1971 में इनकी फिल्म आई हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, मुमताज और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर थ्री, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई हंगामा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार, विनोद खन्ना, जीनत अमन, महमूद और जॉनी वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर फोर, इसी साल 1971 में इनकी फिल्म आई हलचल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर ओपी रल्सन, हेलन, जीनत अमन, सोनिया साहनी, कबीर बेदी, प्रेम चोपड़ा और मदनपुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर फाइव, साल 1973 में इनकी फिल्म आई हीरा पन्ना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, राखी रहमान, जीवनधर और शीतल नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर सिक्स, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई धुंद। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजय खान, जीनत अमन, डैनी, अशोक कुमार और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर सेवन, इसी साल 1973 में इनकी फिल्म आई यादों की बारात। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, जीनत अमन और नीतू सिंह नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर एट, साल 1974 में इनकी फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमन और मौसमी चटर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर नाइन, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई इश्क इश्क इश्क। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, कबीर बेदी और शबाना आजमी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर टेन, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई प्रेम शस्त्र। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, बिंदु रहमान, आयश जोहर और मुमताज बेगम नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 11, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई मनोरंजन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शम्मी कपूर, संजीव कुमार, जीनत अमन, देव कुमार, मदनपुरी और आगा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 12, इसी साल 1974 में इनकी फिल्म आई अजनबी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमन, योगिता बाली और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 13, साल 1975 में इनकी फिल्म आई वारंट। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, प्राण, अजीत खान और दारा सिंह नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 14, इसी साल 1975 में इनकी फिल्म आई चोरी मेरा काम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, शशि कपूर, जीनत अमन और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 15, साल 1976 में इनकी फिल्म आई दीवानगी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, जीनत अमन, रंजीत, नरेंद्र नाथ और हेलन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 16, साल 1977 में इनकी फिल्म आई पापी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, संजू कुमार, जीनत अमन और रीना रॉय नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 17, इसी साल 1977 में जीनत अमन की फिल्म आई कलाबाज। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, प्रदीप कुमार, आसरानी, ललिता कुमारी और देव कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 18, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई धर्मवीर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमन, नीतू सिंह, प्राण और रंजीत नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 19, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई डार्लिंग डार्लिंग। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, जीनत अमन, नादिरा, महमूद और जीवनधर नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव एवरेज बनाया। नंबर 20, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई शैला बाबू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमन, आसरानी, ओम शिवपुरी, पद्मा खन्ना, आंचला सचदेव और रंजीत नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव एवरेज बनाया। नंबर 21, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई आशिक हो बहारों का। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमन, डैनी, ओम प्रकाश, सुलोचना लटकर और रहमान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 22, इसी साल 1977 में इनकी फिल्म आई हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म के मुख्य एक्टर ऋषि कपूर, जीनत अमन, काजल किरण और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 23, साल 1978 में इनकी फिल्म आई शालीमार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, जीनत अमन, शम्मी कपूर, प्रेमनाथ और अरुणा ईरानी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 24, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई हीरालाल पन्नालाल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, रणधीर कपूर, जीनत अमन और नीतू सिंह नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 25, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई चोर के घर चोर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, रणधीर कपूर, जीनत अमन, प्राण और देवेन वर्मा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 26, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, जीनत अमन, पद्मिनी कोल्हापुरे, कन्हैया लाल, डेविड अब्राहम, लीला चिटनीस और शीतल नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 27, इसी साल 1978 में इनकी फिल्म आई डॉन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, जीनत अमन, प्राण, इफ्तिकार, ओम शिवपुरी, कमल कपूर, अर्पणा चौधरी, हेलन,
और मैक मोहर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 28, साल 1979 में इनकी फिल्म आई द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, मदन पुरी, इफ्तिखार और हेलन नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 29, इसी साल 1979 में इनकी फिल्म आई सिनेमा सिनेमा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 30, साल 1980 में इनकी फिल्म आई टक्कर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा, जीनत अमान और जया प्रदा नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 31, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई राम बलराम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रेखा, जीनत अमान और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 32, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई बम्बई 405 मील। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, अमजद खान और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 33, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई अब्दुल्ला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, संजय खान, जीनत अमान, डैनी, संजीव कुमार, परवीन बाबी और महमूद नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिलो अर्ज बनाया। नंबर 34, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई अली बाबा और 40 चोर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 35, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई कुर्बानी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 36, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई दोस्ताना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 37, इसी साल 1980 में इनकी फिल्म आई इंसाफ का तराजू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज बब्बर, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे और दीपक पाराशर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 38, साल 1981 में इनकी फिल्म आई प्रोफेसर प्यारेलाल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, जीनत अमान, सिमी गरेवाल, श्रीराम लागू, अमजद खान और विनोद मेहरा नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 39, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई कातिलों के कातिल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, जीनत अमान, टीना मुनीम, नीरोपा रॉय और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 40, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई क्रोधी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, शशि कपूर, जीनत अमान, हेमा मालिनी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 41, इसी साल 1981 में इनकी फिल्म आई लावारिस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अमजद खान और रंजीत नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 42, साल 1982 में इनकी फिल्म आई सम्राट। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 43, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई प्यास। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अंजू महेंद्र, तनुजा, मदनपुरी और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 44, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई जानवर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमान, नीरोपा रॉय, योगिता बाली और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 45, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई अशांति। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, परवीन बाबी, शबाना आजमी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव एवरेज बनाया। नंबर 46, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई गोपी चंद जासूस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, जीनत अमान, आईएच जोवर और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 47, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई वकील बाबू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, शशि कपूर, जीनत अमान और राकेश रोशन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 48, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई दौलत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर विनोद खन्ना, राज बब्बर, जीनत अमान, अमजद खान और सारिका ठाकुर नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 49, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई तीसरी आंख। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश रोशन, जीनत अमान, नीतू सिंह और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव एवरेज बनाया। नंबर 50, साल 1983 में इनकी फिल्म आई तकदीर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 51, इसी साल 1983 में इनकी फिल्म आई पुकार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रणधीर कपूर और टीना मुनीम नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव एवरेज बनाया। नंबर 52, इसी साल 1983 में इनकी फिल्म आई हमसे है जमाना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, डैनी, अमजद खान और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 53, इसी साल 1983 में इनकी फिल्म आई महान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, परवीन बाबी, जीनत अमान, अशोक कुमार और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 54, इसी साल 1983 में इनकी फिल्म आई बंधन कच्चे धागे का। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, राखी और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 55, साल 1984 में इनकी फिल्म आई
ये देश इस फिल्म के मुख्य एक्टर जितेंद्र, कमल हसन, जीनत अमान, उत्पल दत्त और गीता नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 56, इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई सोनी महिवाल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सनी देओल, पूनम ढिल्लों, जीनत अमान, तनुजा, प्राण और रंजीत नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 57, इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई पाखंडी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, जीनत अमान, शशि कपूर और आशा पारेख नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 58, इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई जागीर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, प्राण, डैनी और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 59, इसी साल 1984 में इनकी फिल्म आई मेरी अदालत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रजनीकांत, जीनत अमान और मोनिश बर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 60, साल 1985 में इनकी फिल्म आई यार कसम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जीनत अमान, राज बब्बर, अनीता राज और शक्ति कपूर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 61, इसी साल 1985 में इनकी फिल्म आई भवानी जंक्शन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 62, इसी साल 1985 में इनकी फिल्म आई अमीर आदमी गरीब आदमी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कादर खान, जीनत अमान, परवीन बाबी और अमजद खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर 63, इसी साल 1985 में इनकी फिल्म आई यादों की कसम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, शक्ति कपूर और आसरानी नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 64, इसी साल 1986 में इनकी फिल्म आई हाथों की लकीरें। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, जीनत अमान, जॉकी श्रॉफ और प्रिया राजवंशी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 65, इसी साल 1986 में इनकी फिल्म आई बात बन जाए। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, उत्पल दत्त, राज बब्बर, अमोल पालेकर और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अबाव ऑरेंज बनाया। नंबर 66, इसी साल 1986 में इनकी फिल्म आई औरत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शशि कपूर, जीनत अमान, उर्मिला भट्ट और सविता बजाज नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 67, इसी साल 1987 में इनकी फिल्म आई डाकू हसीना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रजनीकांत, जीनत अमान, राकेश रोशन और रोशनी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 68, साल 1988 में इनकी फिल्म आई नामुमकिन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर संजीव कुमार, राज बब्बर, विनोद मेहरा और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 69, साल 1989 में इनकी फिल्म आई तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अकबर खान, जीनत अमान, शेखर सुमन, सुरेश ओबेराय और अमरीश पुरी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 70, इसी साल 1989 में इनकी फिल्म आई गवाही। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जीनत अमान, शेखर कपूर और रंजीता कौर नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 71, साल 1999 में इनकी फिल्म आई भोपाल एक्सप्रेस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर के मेनन, विजय राज, नसरुद्दीन शाह और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 72, साल 2003 में इनकी फिल्म आई बूम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जॉकी श्रॉफ, जीनत अमान और कैटरीना कैफ नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 73, साल 2006 में इनकी फिल्म आई जाना लेट्स फॉल इन लव। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेश खन्ना, जीनत अमान, अंजना सुखानी और रेहान खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 74, साल 2008 में इनकी फिल्म आई अगली और पगली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रणवीर शौरी, मल्लिका शेरावत, विशाल मल्होत्रा और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 75, साल 2010 में इनकी फिल्म आई दुनो वाई ना जाने क्यों। इस फिल्म के मुख्य एक्टर कपिल शर्मा, युवराज पाराशर और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 76, साल 2012 में इनकी फिल्म आई चौराहे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जीनत अमान, विक्टर बनर्जी, रूपा गांगुली और सोहा अली खान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 77, साल 2014 में इनकी फिल्म आई स्प्रिंग्स ऑफ पेंशन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जीनत अमान, इंद्रानी हल्दार और राजेश शर्मा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 78, साल 2015 में इनकी फिल्म आई डनो वाई टू लाइफ इज अ मोमेंट। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जीनत अमान, कपिल शर्मा, युवराज पाराशर और मीरा नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 79, साल 2016 में इनकी फिल्म आई दिल तो दीवाना है। इस फिल्म के मुख्य एक्टर हैदर खान, राज बब्बर, जीनत अमान और सुष्मिता मुखर्जी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 80, इसी साल 2016 में इनकी फिल्म आई सलूक की शादी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किरण कुमार, आसरानी, संदीप आनंद, रज्जा खान, रवि पांडे, अरविंद कुमार और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 81, साल 2019 में इनकी लास्ट फिल्म आई पानीपत। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सोनन और जीनत अमान नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। तो दोस्तों, ये था जीनत अमान जी का कंप्लीट हिंदी बॉलीवुड सफर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को कर दो एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला वीडियो किस एक्टर पर देखना पसंद करते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।